हेलो गाइज वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो मेरा नाम है अपूर्व मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में इंग्लिश और हिंदी फ्राइडेज एंड सैटरडेज को हम लोग कुछ नया टॉपिक लाते हैं तो इस बार को था अपना, आ, मेरी जितनी भी मैंने ली थी आ, मतलब उसमें जो सबसे रही हैं, उसमें 50, रुपीस का हुआ था। वो वीडियो मैं अपने अगर नहीं फॉलो किया है अभी टेलीग्राम पर तो फॉलो कर लो इंग्लिश में चाहिए वो भी टेलीग्राम पे फॉलो कर लो तो। ठीक है जाके वहीं भी आपको लिंक मिल जाएगी ओके हंड्रेड लाइक्स इन दिस वीडियो आई होप आप लोग कर दोगे चलो स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे एनालिसिस है मेरे पास पहले वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं यार वर्ल्ड मार्केट्स एस जी एक्स फिफ्टी पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग शो कर रही है पहली चीज ठीक है दूसरी चीज़ यूएस थर्टी की जो मार्केट है मतलब यू एस थर्टी या फिर डाउ जोन्स कह लो डाउ जोन्स फ्यूचर कह लो ठीक है तो डाउ जोन्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चरिंग करी थी सब हटाता हूँ मैं बताता हूँ फिर से याद दिलाता हूँ आपको ये एक डिमांड जोन था ठीक है इसको हम लोगों ने डिमांड जोन बोला कैसे जब यहाँ इसने इसे ब्रेक करा तब डिमांड जोन नहीं था जब ये ऊपर आके इसने सपोर्ट लिया तब ये डिमांड जोन बन गया फिर इसने एक यहां से रेजिस्टेंस खाया फिर यहाँ पे इसने गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल हो गया ठीक है बट मार्केट ऊपर आई और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाते हुए एनगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए बुलिश पैटर्न बनाते हुए ऊपर निकली ठीक है यहाँ मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अच्छा पैरेलल सॉरी पैरेलल चैनल तो यहाँ ही रहा था ठीक है बट पैरेलल चैनल छोड़ो ये क्या है ये इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं इसको कहते हैं गाइस हम लोग एक फ्लैग एंड पोल ठीक है फ्लैग एंड पोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट लग रहा था बट उससे भी ज्यादा आर्किटेक्चरिंग जो थी वो काफी पॉइंट मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट थी देखो क्लोजिंग से क्लोजिंग लिया क्लोजिंग से क्लोजिंग लिया हमें सारा टारगेट मिल गया अब ये क्या है ये नियर टर्म हाई है सो so ये जो, जो जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या खा सकती है मार्केट रेजिस्टेंस खा सकती है गाइस इस एरिया पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है रेजिस्टेंस खा सकती है यहाँ पे ठीक है तो मुझे यहाँ से रेजिस्टेंस खाते हुए दिख रही है मार्केट जो शॉर्ट टर्म मूव था अपना वो हमने कैप्चर करा और अब यहाँ रेजिस्टेंस देखने को फिर से मिल सकता है मार्केट से नैसटैग की बात करें ठीक है तो नैस ने अपना असेंडिंग ट्राइंगल का सेम असेंडिंग ट्रैंगल का ब्रेकआउट दिया कहाँ पे दिया एक डिमांड जोन पे एक डिमांड जोन पे ब्रेकआउट दिया ठीक ब्रेक लिया, लिया, ब्रेक है तो मे बी यहाँ तक के एरियाज तक आपको क्या पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिले या यहाँ से ही मिलना चालू हो जाए मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एक जोन जो है वॉलेटिलिटी जोन और एक रेजिस्टेंस का एरिया टाइप आपको प्रोवाइड कर सकता है ठीक है इससे ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल है इसके तक जाना यहाँ तक आना यहाँ यहाँ वॉलेटिलिटी प्रोवाइड करना तो मुझे लगता है वो हो सकता है यहाँ से तो ये कितने पॉइंट का स्प्रेड है 500 पॉइंट का स्प्रेड में दिख रहा है मुझे जो है सेम गोज फॉर अपना निफ्टी का भी तो निफ्टी में आप बात करते हैं चल के आज जाओ ब्लू लिस्ट खोलते हैं निफ्टी पे जाते हैं यहाँ मुझे क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ये स्ट्रक्चरिंग करी है आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग ये मदर बार ब्रेक करी थी यहाँ पे हमने ठीक है फिर एक इनसाइडर बार बनी यहाँ पे और फिर इस मदर बार का ब्रेकआउट ऊपर ठीक है फिर एक लोअर विक रिजेक्शन अपर कैंडल मिली है ठीक है तो मल्टीपल कैंडल्स ऊपर के लिए मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे थ्री सोल्जर वाली चीज होती है ठीक है जो अगर डाउन साइड बनते हैं तो थ्री क्रोस कहते हैं उन्हें शायद एंड थ्री जो अप साइड कैंडल होती है उन्हें थ्री सोल्जर्स कहते हैं यहाँ पे एक अच्छी एनगल्फिंग कैंडल बनी ठीक है एंड एनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद अच्छा मोमेंटम अप साइड के लिए देखने को मिला है निफ्टी ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था ये इस तरीके का ये ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में रीटेस्ट लिया इन लेवल से ठीक है एंड फिर एक मूवमेंट दे दिया ठीक है वीकली टाइम फ्रेम्स पे अगर आप बात करोगे तो आपको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल के बहुत ही पास में निफ्टी ट्रेड कर रहा है ठीक है मैंने दो लाइंस बनाई हैं ये मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है ठीक है इस स्ट्रक्चर को मैं फॉलो करूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे मतलब ये मेरा ओवरऑल मेन स्ट्रक्चर है निफ्टी के लिए एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चरिंग है ये एक हिडन लाइन की तरह एक्ट करेगा ठीक है तो मैं इसको दूसरा कलर कर देता हूँ ठीक है ये एक हिडन लाइन की तरह एक्ट करेगा सो so आप यहाँ से भी थोड़ा रेजिस्टेंस कैप्चर कर सकते हो ऑल ये जो हिडन लाइंस होती हैं ये वीक होती हैं बट ये फेक आउट कन्वर्ट्स कर सकती हैं मतलब फेक आउट यहाँ पे हो जाता है सो मे बी हम यहाँ पे कंसोलिडेशन देखें थोड़ा सा एंड फ्रेक ब्रेकआउट दें ये हो सकता है

मतलब नेक्स्ट uh, मतलब मंडे के मॉर्निंग सेशन में अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल भी आती है इस तरीके से ठीक है ये रेड कैंडल आती है तो अभी कल के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कल का सेशन अगर रेड कैंडल कल का सेशन अगर डोजी क्रिएट करता है या फिर एक रेड कैंडल क्रिएट करता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि उस डोजी के ऊपर या फिर उस रेड कैंडल के ऊपर जो अपसाइड है वो जैसे ही ब्रेक होगा नेक्स्ट सेशन में या फिर जब भी ब्रेक होगा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक होगा ठीक है तो एक लॉन्ग पोजीशन फिर से बन सकती है और फिर हम लोग अपसाइड मोमेंटम एक दो दिन तीन दिन पूरा हफ्ता का वो देखने को फिर से मिल जाए हम लोग को पूरा वीक मिल सकता है देखने को और हम लोग वापस से सत्रह हजार की रेंज में जा सकते हैं क्योंकि हम सत्रह दो सौ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं ठीक है तो मेरा पॉइंट ये है कि अब कल के लिए क्या एक ट्रेड बन सकती है कि ये जो रेड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ कि तीन पहले ग्रीन कैंडल बनेगी फिर एक रेड कैंडल जैसे हमको यहाँ पे भी दिखाई दिया कि एक हॉल्ट आता है मार्केट में एक डायरेक्ट मोमेंटम के बाद एक हॉल्ट आता है एंड कल हम देख रहे हैं कि गैप अप होने वाला है मार्केट ठीक है तो पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये बन सकती है कि कल अगर आपको दिखता है कि पहले देखो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों ट्रेड्स बताता हूँ बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में बताता हूँ मैं आपको ठीक है अब यहाँ प्राइस एक्शन जो भी मैं यहाँ बना रहा हूँ वही सेम बैंक निफ्टी में भी बनने वाला है ठीक है तो मैं बार बार दो चार्ट नहीं खोल के दिखाऊंगा एक ही में आप समझ लेना कि जैसे हम थोड़ा गैप अप हुए यहाँ पे यहाँ कहीं गैप अप हो गए मान लो ठीक है एंड मार्केट अपसाइड मोमेंटम की जगह पहली ही कैंडल जो है डाउन साइड के लिए दिखाती है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाती है उसी के ऊपर स्टॉप लॉस रख लेंगे ठीक है एंड मोमेंटम कैरी ऑन करने देंगे देखते हैं कितना मोमेंटम मिल पाएगा हमें ठीक है तो ट्राई करना है वन इज़ टू थ्री रिस्क रिवॉर्ड या वन इज टू टू रिस्क रिवॉर्ड वन इज़ टू वन से ज़्यादा का ट्राई करना कैप्चर करने का ठीक है और मुझे बियरिश मोमेंटम थोड़ा सा लगता है कि यहाँ से कैप्चर हो सकता है अब देखना अब सेकेंड हाफ अब मान लो कि हम लोग जो है ऊपर मूव करने लग गए गैप अब खुला ठीक है और ऊपर मूव करने लग गए तो ये ट्रेड नहीं बनती है क्योंकि हमें पिछले सारे सेशन से, से यही देखने को मिल रहा है एंड ऊपर मूव करके मार्केट जो है फेक लोगों को ट्रैप कर सकती है एंड फिर से जो है एक डाउनफॉल दिखा सकती है सेकेंड हाफ में दैट दैट ये हो सकता है ठीक है पोटेंशियल चांसेस हैं क्योंकि बैक टू बैक इतना नीचे से उठने के बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनना इतना आसान मुझे नहीं लगता कि मार्केट में होता है ठीक है so, सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कल एक रेड कैंडल देखी ठीक है तो ओवरऑल व्यू क्या है रेड कैंडल देखने के बाद अगर हम लोगों ने कुछ दिनों बाद मतलब एक दो दिन बाद अगर उसे उसका हाई ब्रेक करा या फिर अगर यहाँ हमने एक डोजी देखी और डोजी का जो हाई था उसका ब्रेक करा ठीक है तो वहाँ एक लॉन्ग पोजिशन बनती है बट Me, अगर यहाँ पे आपने एक रेड कैंडल देखी एंड या फिर एक नेक्स्ट डे आपको एक सेलिंग की कैंडल दिखाई दी यहाँ से तो मान लीजिए कि ये एक टर्निंग पॉइंट आ गया है दोबारा एंड फिर एक मार्केट में फिर देखने को यहाँ से मिल सकता है अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिबुनाकी बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इन एरिया ये जो एरिया है ये काफी सूटेबल एरिया है यहाँ तक मार्केट बहुत आराम से फिर से गिर सकती है फिबुनाकी जीरो 0.2 तक आ सकता है काउ एंड काउ 0.3 तक आ जाए ठीक है एंड लास्ट टाइम फिर बनाके 0.23 पे सपोर्ट लेके सीधा 0.5 का कंसोलिडेशन देके नीचे ब्रेक करा था ठीक है तो फिर से यहाँ पे एक टॉप आउट बन सकता है तो अगर एक दो देखो एक दिन ग्रीन रेड कैंडल बनना या डोजी बनना ठीक है बट एक दो दिन के बाद अगर वो नीचे साइड के लिए ब्रेक डाउन दे रहा है क्लोजिंग कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे दैट मीन्स कि एक टॉपे टॉप बन चुका है एंड रिवर्सल पोटेंशियल आ सकता है पर हम शॉर्ट ट्रेड्स ही ढूंढेंगे मार्केट में और अपनी स्विंग ट्रेड से निकलने की ट्राई करेंगे जितना निकल सकते हैं ठीक है अगर जीरो पी पे निकलेंगे या तो टारगेट वंस पे निकल जाएंगे या स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो स्टॉप लॉस पे निकलेंगे ओवरऑल तो हम प्रॉफिटेबल चल रहे हैं बिकॉज जो जो लोग मुझे फॉलो करता है वो जानता है ये वीडियो देख लो ये वीडियो सफिशियंट है उन लोगों के लिए कि चार पांच ट्रेड्स मिला के ही आप लोगों ने इतना कमा लिया होगा जितना बाकी बची हुई पांच छह दस ट्रेड्स में आपने लूज करा होगा उससे पांच गुना दस गुना ज्यादा इन ट्रेड्स में बना लिया होगा ओके okay? so, सो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग फॉलो कर सकते हो वहां पे वीडियो को स्क्रॉल करो टेलीग्राम लिंक वहां पे मिली हुई है या फिर कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा वहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हो ओके okay? अब बात करते हैं यार ये निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का ही ये सेम प्राइस एक्शन हो गया ठीक है सो हम लोगों को मार्केट सुटेबल कब होगी जब इस तरीके से हम लोगों का मोमेंटम होगा और ये जो गैंडल है आपकी ग्रीन होगी ठीक है तो जैसे ही इसके ऊपर निकलना चालू होगा इंट्रा पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी एंड अगर क्लोज करता है तो स्विंग बेसिस पे होल्ड करेंगे और ऊपर जाएगी मार्केट पर ठीक है तो इस तरीके से हमें यहाँ पे वेट करना क्योंकि अभी हम देखो ये कंसोलिडेशन जोन था ये रिजेक्शन ब्रेकआउट कंसोलिडेशन जोन डबल बॉटम का ब्रेकआउट ठीक है अब यहाँ पे रीटेस्ट करने आई मार्केट तो काफी गिर सकती है वापस दोबारा कितना गिर सकती है आप देखो यहाँ से 500 पॉइंट गिर सकती है रीटेस्ट करने को आई बट अगर मोमेंटम मोमेंटम में निकल गई तो और ऊपर जाएगी बहुत ऊपर जाएगी ये मेरा व्यू है पर्सनल व्यू ठीक है अब बात करते हैं कुछ ट्रेड्स की कुछ अमेजिंग ट्रेड्स जो तो मेरे पास है पहली ट्रेड है सेंचुरी टेक्सटाइल ठीक है यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा पैटर्न दिख रहा है हायर लोस फॉर्मेशन दिख रहे हैं ठीक है एक अपसाइड मोमेंटम कंसोलिडेशन अपसाइड मोमेंटम फिर से दिख रहा है तो यहाँ मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिखा देता हूँ तीन परसेंट का रिस्क लूंगा मैं ट्रेड में मतलब ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं इस ट्रेड में तीन परसेंट का रिस्क ले रहा हूँ ठीक है और ग्यारह परसेंट बीस परसेंट तक के रिवॉर्ड्स जो है मैं लेने के लिए तैयार हूँ पहला टारगेट ये है सेकंड टारगेट ये है थर्ड टारगेट ये है मार्क कर लीजिएगा वेलकॉर्थ लुक्स गुड टू मी मंथली टाइम फ्रेम आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक यू यू शेप शेप कप एंड हैंडल ब्रेकआउट या कुछ टाइप बना रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है कप एंड हैंडल को हम ट्रेड नहीं करते हैं कप एंड हैंडल हम एक बुलिशनेस बुलिश साइन की तरह एक्ट करता है कप एंड हैंडल के बाद ऊपर क्या हो रहा है कप एंड हैंडल के वो मैटर ज्यादा करता है ठीक है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर वहां मैनेज हो जाती है चीज ठीक है यहाँ देखोगे तो हायर लोज हायर लॉज हायर लोज हायर लॉस बनते हुए एक ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे ठीक है फिर से इसी के लो के नीचे एक रखेंगे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे एंड फर्स्ट टारगेट ऑफ कोर्स ये एंड सेकंड टारगेट वन एज टू टू वन एस टू थ्री रिस्क रिवॉर्ड रेशन तक प्ले करेंगे अगर इसके ऊपर पूरे महीने सस्टेन कर जाता है तो हम और वेट करेंगे स्टॉक का क्योंकि मुझे लगता है फिर ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है ठीक है और बात करते हैं तो फार्मा का ये जो स्टॉक है कैप्लन पॉइंट ये मुझे अच्छा लग रहा है आई गेस ये फार्मास्यूटिकल्स है या सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी काउंटर ट्रेंड लाइन उसका ब्रेकआउट हुआ है मल्टीपल लोज जो बने हैं वो सेम लोज हैं अगर यहाँ पे आप देखोगे ये सारे लोज सेम है ठीक है ये पूरा ये जो पूरा जोन है ठीक है वॉलेटिलिटी जोन है ये नीचे इसके ठीक है ये पूरा डिमांड जोन सेम उस पर है यहाँ पे ब्रेक भी हुआ था बट नेक्स्ट डे वो वापस ऊपर आ गया फॉलो अप नहीं आया तो लोअर लो low मैं नहीं मानूंगा उसको ठीक है मैं उसको मानूंगा कि मार्केट ने एक फेक ब्रेक डाउन दिया एंड वापस ऊपर आ गया तो अगर इतना में भी आप जोन बना रहे हो तो वो भी सही है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे सारे बियर्स जो है वो ट्रैप हो चुके हैं सारे बियर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर आ गई वापस 20 परसेंट का मूव दिया ठीक है हायर लोज हायर लोज बनाए हैं यहाँ एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न फिर से दिख रहा है एनगल्फिंग पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है ठीक है ब्रेकआउट हो चुका था मूवमेंट आ चुका था ये पैटर्न मिल चुका है अब हम लोगों को नेक्स्ट मूव कहो हो यहाँ तक मिल जाए तो मेरा पहला टारगेट तो यार यारोर्स यहाँ तक का होगा पांच छह परसेंट का टारगेट सेवन परसेंट का यहाँ तक का होगा स्टॉप लॉस में रखूंगा कैंडल के नीचे थ्री परसेंट का करंट मार्केट प्राइसेस से ठीक है तो ये मुझे लगता है मूवमेंट कैपिटल पॉइंट में हमें देखने को मिल सकता है बाकी बहुत सारी ट्रेड्स हम लोगों ने और भी ले रखी थी वो सारी मैं अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम पे मे बी आपका कोई स्टॉक हो जो आपको पूछना हो ठीक है और वो हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें ट्रेड ले चुकी हो एग्जिट भी कर चुके हो कहो या फिर क्या पता वो हमारे पास हो मोस्टली होती है या फिर एग्जिट कर चुके होते हैं हम लोग ठीक है ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कि मैं कोई ट्रेड मिस कर बिकॉज आई हैव अलर्ट सिस्टम जो कि मैंने सब पे सेट कर रखा है एंड मैं वर्क करता हूँ मैं काफी हार्ड वर्क करता हूँ इन सब चीज़ों पे कि मैं सारे सेटअप्स तैयार रखू लोगों की हेल्प कर सकू थैंक यू सो मच विल सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो इन अदर वीडियो ठीक है जो कि आएगा कल एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो हंड्रेड लाइक्स इन दिस वीडियो एंड विल सी यू